नमस्कार फ्रेंड, शोभा की क्लास में आपका स्वागत है। आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ स्लीव ए ब्लाउज से हम लोग मेजरमेंट कैसे लेते हैं। ब्लाउज से ब्लाउज का मेजरमेंट लेना बता रही हूँ, क्योंकि कई बार हम लोग जो बना रहे हैं, जिसका ब्लाउज बना रहे हैं वो हमारे पास नहीं है और हमारे पास सिर्फ ब्लाउज है, तो हम मेजरमेंट कैसे लेंगे। फ्रेंड्स, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहना चाहूँगी, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, ताकि आपके पास नए वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आ सके। आइए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। ब्लाउज़ का मेजरमेंट लेने के लिए हम लोग उन्हें ब्लाउज़ के सबसे पहले हैं कि आप इसके हुक बंद कर देना। हुक बंद करने से क्या, ये आपके आगे पीछे की तरफ नहीं जाएगा। और मेजरमेंट जो लेंगे हम लोग, इसको बैक पोर्शन से लेंगे। हमने इस तरीके से ब्लाउज़ को बंद कर दिया है। अब हम लोग सबसे पहले लेंगे इसकी लंबाई। ये लंबाई है 14 इंच। इसको हम लोग नोट डाउन करते जाएंगे, लंबाई 14 है। और उसके बाद हम लोग लेंगे इसको इस तरीके से, सीना लेंगे। सीना फ्रेंड देखिए, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लेना है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक। देखिए ये है 19.5 इंच, ये 19.5 इंच है। 19.5 यानी कि 38 इंच हमारा सीना होगा। कमर भी इस जॉइंट से इस जॉइंट तक आप बिल्कुल सीधा लीजिए। ये इस जॉइंट से इस जॉइंट तक हम लोग लेंगे। यह है 15, यह है 15, 15 का डबल यानी कि कमर है हमारी 30 इंच। अब हम इसके लेंगे शोल्डर। शोल्डर लेने के लिए भी फ्रेंड्स, इस पॉइंट से जो शोल्डर पॉइंट है, ये यहाँ से यहाँ तक हम लोग लेंगे। ये है 11 इंच, यानी इस स्लीव्स के इस जॉइंट से स्लीव्स के इस जॉइंट तक हम लोग लेंगे। अब नेक है, नेक हम लोग लेंगे इसका। ये पॉइंट दे रखा है हमारा इससे इस तक 7.5 इंच है हमारा। ये 7.5 इंच है हमारा फ्रंट बैक नेक है। और फ्रंट नेक जो है, फ्रंट नेक के लिए आप ब्लाउज को एक बार सीधा कर दीजिए और इस पॉइंट से हम लोग ये लेंगे 6.5 इंच। फ्रेंड्स, इसके लिए मैं आपको बताऊं कि कई लोग ब्लाउज़ को यूँ इस तरीके से तिरछा करके भी इस गले को नापते, लेकिन आप देखिए इस तरीके से गला थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। इसीलिए ये एग्जैक्ट हमारा ये नाप है कि हमारा 6.5 इंच है फ्रंट नेक और बैक था हमारा 7.5 इंच का। फ्रेंड्स, इसके अब स्लीव्स की मेजरमेंट लेंगे। स्लीव्स की मेजरमेंट हमारी ये इस जॉइंट से इस जॉइंट तक लेंगे। ये जॉइंट आ रहा है हमारा यहाँ से यहाँ तक, ये है 6.5 इंच। स्लीव्स के लिए हमें चाहिए लंबाई और ये नीचे की गोलाई। इस गोलाई के लिए भी ये जो जॉइंट आया है एग्जैक्ट इस जॉइंट से इस जॉइंट तक हम लोगों ने लिया, ये है 6.5। 6.5 का डबल होती है गोलाई 13 इंच। और ये जो आर्म होल की गोलाई लेते हैं, इसको हम लोग जो स्लीव्स की जो मैंने आपको ड्राफ्टिंग बताई है, उस ड्राफ्टिंग में मैंने आपको आर्म होल की कटिंग बताइए, आप उसके मेजरमेंट से बनाइए। और ब्लाउज़ की ड्राफ्टिंग भी मैंने आपको बताइए, डीप नेक के लिए या कॉलर नेक के लिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में ज़रूर दे दूँगी। फ्रेंड्स, इसके लिए जो बेल्ट वाला ब्लाउज़ अगर हम लोग बना रहे हैं, तो जो ये बेल्ट का पोर्शन है, ये हमारा मोस्टली सबका 12.5 इंच पर आता है। अगर किसी का सीना हैवी है, अबव 40 है या 42 से अबव है, तो हम लोग इसको जो 12.5 की जगह 13 इंच हम लोग तीरे का नीचे की तरफ ले लेते हैं और बाकी नीचे की तरफ बेल्ट आ जाती है। बेल्ट में आपकी इच्छा है, आप अगर तुरपाई करना चाहते हो तो बेल्ट को 4.5 इंच ले लो, और अगर आप तुरपाई नहीं करना चाहते, पैक करना चाहते हो इसमें, तो बेल्ट हमारी वही नाप के अनुसार ही लेनी पड़ेगी हमें, 3 इंच और 1/2 इंच सिलाई का जाएगा इसमें, 3.5 इंच लेनी पड़ेगी। फ्रेंड्स, इसके लिए मैं आपको दो टिप्स देना चाहती हूँ। फर्स्ट, तो जब भी आप ब्लाउज किसी का मेजरमेंट ले रहे हो, तो आप ये गलती मत करना कि किसी का बहुत घिसा हुआ या बहुत पुराना ब्लाउज है वो मत लेना, क्योंकि घिसे हुए ब्लाउज में ये रहती है कि जो ब्लाउज है वो बॉडी का शेप ले लेता है, तो किसी का बैक पोर्शन बड़ा हो जाता है, किसी का आगे का पोर्शन बड़ा हो जाता है। अगर आप उससे सिलते हो तो उसकी फिटिंग कभी भी सही नहीं आती है। दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो ब्लाउज है उसमें आगे की तरफ जो सेल बनते हैं, तो उसके कारण ही थोड़ा सा चौड़ा होता है ये। इसीलिए हुक खोल के अगर आप ब्लाउज़ का मेजरमेंट लोगे तो ये हिस्सा चौड़ा हो जाएगा थोड़ा सा, तो मेजरमेंट में थोड़ा आगे पीछे आ सकता है। इसीलिए आप हमेशा जो ब्लाउज बनाओ का मेजरमेंट लो, आप हमेशा इसके हुक बंद करके ही लेना है, और नेक को बिल्कुल यहाँ पे ये सीधा इससे रखना है, क्योंकि अगर आप इस तरीके भी रखोगे तो ये बहुत चौड़ा हो जाएगा, या यूँ रखते हैं तो सही नहीं होगा। ब्लाउज़ को बिल्कुल आप जिस पोजीशन में, मैं आपको ये बता रही हूँ कि स्ट्रेट ये पड़ा हुआ है प्रेस पोजीशन में, इसी तरीके से रहना चाहिए। फ्रेंड्स, इसी तरह आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको कुछ समझ में नहीं है तो आप हमसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और आप हमारे साथ बने रहिए, स्टेप बाय स्टेप सिलाई सीखते रहिए। धन्यवाद।